हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल दैट इज गेट इट क्लियर। गाइस, ये वाला वीडियो जो है मेरा, वो आपका जनरली मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स की डिमांड के ऊपर बनाया जा रहा है। उन्होंने बोला था कि मैम, इन केस अगर आपके 817 की पोस्टें कम हो जाती हैं तो आपकी क्या कट ऑफ जाएगी। गाइस, मैं यहाँ पर किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, बस मैं यहाँ पर अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर का ही कहा हुआ सुन रही हूँ कि मैम, आपको क्या लगता है क्या कट ऑफ जाएगी। गाइस, ये मैंने कट ऑफ खुद एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो मैंने आपके सारी चीज़ों का रिसर्च करके ये चीज़ें तैयार की हैं। ठीक है गाइस, मैंने पहले भी इसके रिगार्डिंग आपके पास वीडियो बनाया था कि पहले कितनी पोस्टें थी, फिर कितनी एड ऑन हुई। ठीक है गाइस, तो आइए हम जल्दी से देख लेते हैं। गाइस, मैं यहाँ पर बात करूँ, मुझे ये वाला जो पीडीएफ है ये मैंने आपके हमीरपुर की साइट से लिया हुआ है। ठीक है, कि यहाँ पर रिवाइज रिजल्ट जब आया था तो कितनी पोस्टें कौन सी कैटेगरी की बची हुई थी। गाइस, आप भी वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, यही पीडीएफ आपको वहाँ पर अवेलेबल होगा। ठीक है, तो जब मैंने यहाँ पर चेक किया था उस रिजल्ट का, तो यहाँ पर टोटल बता रखा था कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वो 625 हुए हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पर बात की गई है कि 531 पोस्ट हैं बची हुई टोटल, उसमें से जनरल अनरिजर्व की जो थी वो 153 थी, जनरल बीपीएल 76, जनरल डब्ल्यूएफएफ 14, ओबीसी अनरिजर्व 101, ओबीसी बीपीएल 31, ओबीसी डब्ल्यूएफएफ 3, एससी अनरिजर्व 109, एससी बीपीएल 7, एससी डब्ल्यूएफएफ 7, एसटी अनरिजर्व 27, एसटी बीपीएल 2 एंड एसटी डब्ल्यूएफएफ 1। यहाँ पर बोल के रखा है कि ये आपकी खाली रह चुकी हैं क्योंकि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल कैंडिडेट्स। गाइस, यहाँ पर 9 आउट ऑफ दीज, इन्हीं में से ही 9 पोस्टें जो है वो जनरल अनरिजर्व्ड और 2 जो है वो एससी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो है वो उन्होंने वेकेंट रखी है, क्योंकि आपको पता है ये मामला आपका भी कोर्ट में चल रहा है। ठीक है गाइस, तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर बोल के रखा था। ठीक है गाइस, तो मैंने यही कैलकुलेशंस आपके लिए उठाई हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करूँ तो आप देखेंगे कि टोटल मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में लिख भी रखा है कि इफ फाइनल आउटकम ऑफ केस इज इन फेवर ऑफ हायर डिग्री। गाइस, अगर ऐसा होता है तो आपका जो पोस्ट कोड जो है वो 817 में से टोटल आपको ये वाली पोस्टें थी, अगर मैं 625 माइनस कर दूंगी तो यहाँ पर 1242 टोटल बचेंगी। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर जब आपका डिवीजन हुआ था, जब आपकी नोटिफिकेशन आई थी, तो उसमें 700 थी, तो अगर 153 माइनस कर दूंगी तो जो जनरल अनरिजर्व्ड होगा उसका यहाँ पर उसके खाते में 547 पोस्टें ही आएंगी। जनरल ईडब्ल्यूएस, गाइस उस टाइम जनरल बीपीएल होता था, तो अब आपको पता है कि ईडब्ल्यूएस है, तो उसमें 185 आएंगी। जनरल डब्ल्यूएफएफ की बात करें तो 10 होंगी, ओबीसी अनरिजर्व्ड की मैं माइनस करूंगी तो 203 होगा, ओबीसी बीपीएल 31, ओबीसी डब्ल्यूएफएफ की होगी 3, एससी अनरिजर्व्ड की होगी आपकी 244 पोस्टें, एससी बीपीएल की होगी 47, एससी डब्ल्यूएफएफ की होंगी आपकी 6, एससी वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन तो गाइज यहां पर कुछ है नहीं है, तो ये इतनी कितनी ही रहेंगी। ठीक है गाइज, एसटी अनरिजर्व्ड की हो जाएंगी 43, एसटी बीपीएल की हो जाएंगी 16 और आपकी एसटी डब्ल्यूएफएफ की एक ही रहेगी। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर टोटल जो है मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप पोस्टें डिक्रीज कर दोगे, इन केस अगर ऐसा हुआ है, अगर आपकी पोस्टें ऐड ऑन हुई हैं, ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आपकी इतनी ही पोस्टें जो है वो कैटेगरी वाइज बचेंगी। ठीक है दोस्तों, गाइज हम यहाँ पर बात करें सबसे पहले कि कैटेगरी वाइज जो है वो कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पोस्टें बची हैं 547। ठीक है, अब मुद्दा ये है कि आपकी कट ऑफ जो होगी वो दो तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है गाइज, सबसे पहले तो मैं यहाँ बताऊं कि 817 की जो रेगुलर पोस्टें हैं गाइस, उनको तो कोई भी नहीं छोड़ेगा, चाहे किसी का हायर डिग्री के फेवर में आपका रिजल्ट आए, वहाँ पर आउटकम आए कोर्ट की, तो वो जो होगा वो 817 को ही ज्वाइन करेगा, क्योंकि एक्साइज एंड टैक्सेशन है और ऊपर से रेगुलर है। ठीक है, अब गाइस बात करें कि अगर आपकी जो पोस्टें वापस 556 को चली गई, तो आपके बाकी बच्चे जो होंगे हायर डिग्री के, वो आपके 556 पोस्ट कोड को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि गाइस वहां पर उनको जो है वो फायदा मिलेगा। आपको पता है कि कितने साल, एक दो साल के अप्रोक्सीमेट हो जाएगा उन बच्चों को लगे हुए, तो उनको जो है उसका बेनिफिट मिल सकता है, रेगुलर वो जल्दी हो सकते हैं, फिर आगे प्रमोशन के चांसेस भी उनके ज़्यादा हैं, जल्दी हो जाएंगे। ठीक है गाइज, अगर ऐसा होगा तो वो उन चीज़ों का बेनिफिट लेने के लिए जनरली आपका 556 पोस्ट कोड ही ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है गाइज,
नंबर वन तो मैंने आपको रेगुलर का बताया, नंबर टू का बेनिफिट का बताया, नंबर थ्री मैं आपको ये बता देती हूँ कि जैसे कि आपको पता है कि 817 पोस्ट कोड का जो पेपर आया था उसमें क्वेश्चंस जो थे वो अच्छे थे, और आप यकीन मानिए कि उसमें जो है वो डिग्री वालों ने आपके काफ़ी अच्छा स्कोर किया है गाइस। जिसके पास भी आपकी BTech, BCA, MCA की डिग्रीज थी उनके जनरली स्कोर जो रहा है वो 50+ ही रहा है, जितना मैंने बात किया है बच्चों से और जितना मतलब लोगों के कमेंट्स आए हैं जब हमने कट ऑफ पहले बनाया था, देखा भी होगा, तो उसमें डिग्री वालों के मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे रहे हैं, ठीक है, एज कंपैरिजन टू अगर हम बात करें आपके PGD से या प्लस टू पास की, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर अगर वो बच्चे अगर आपके 556 में शिफ्ट भी हो जाते हैं तो वो इससे जो होगा मतलब गाइस आपकी पोस्टें कम हुई हैं उसका तो ज़्यादा फर्क पड़ता है, पर जनरली वो बच्चे जो होंगे वो आपसे ज़्यादा मार्क्स वाले ही होंगे और वो 556 को ज्वाइन कर लेंगे, तो वहाँ पर आपको इतना बहुत ही ज़्यादा स्टीप में फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा गाइस। मतलब आपका जो वहाँ पर फ़र्क पड़ सकता है वो आपका, आइए हम देख लेते हैं वन बाय वन करके कि कौन सी कैटेगरी का क्या रह सकता है गाइज। यहाँ पर आपकी जनरल कैटेगरी की 547 पोस्टें हो जाएंगी उसके अकॉर्डिंग, और यहाँ पर कट ऑफ जो है वो 48+ रह सकता है गाइज। अगर मैं ऐसे भी मान के चलूँ कि DV में ज़्यादा से ज़्यादा नहीं दो नंबर किसी कैंडिडेट को मिल रहे हैं, तो अगर किसी का मतलब 46 स्कोर अगर रिटर्न में भी बन रहा है तो उसके चांसेस हैं कि वो जो है वो फाइनल सिलेक्शन वहाँ पर ले सकता है गाइज, ठीक है। तो यहाँ पर 48+ वहाँ पर इसके चांसेस है जनरल कैटेगरी के इन होने के, ठीक है गाइस, अगर आपकी पोस्टें भी कम हो जाती हैं तो, ठीक है गाइस। अब मैं जनरल EWS की बात करूँ तो गाइस इसकी आपकी 185 पोस्टें बचेंगी, ठीक है गाइस, और इनकी कट ऑफ जो है वो 43+ जा सकती हैं गाइस। आपने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का रिजल्ट देखा होगा, वहाँ पर आपका ह्यूज वेरिएंस था कट ऑफ में जनरल अनरिजर्व्ड और जनरल EWS में, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस वहाँ पर देखने को मुझे मिला था जब मैंने वहाँ पर कट ऑफ चेक की थी। तो गाइज यहाँ पर जो है वो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि EWS की इतनी ही जाने वाली है, ठीक है गाइज। हो सकता है कि एक नंबर या दो नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, बट इतना है कि जिसके इतने मार्क्स बन रहे हैं उसको इन हो सकता है गाइज, ठीक है। जनरल WFF की हम बात करें तो गाइज यहाँ पर 10 पोस्टें हैं, इसकी आपकी 41+ जा सकती है, ठीक है गाइज। OBC अनरिजर्व की गाइज बात करें तो यहाँ पर 47+ जा सकती है गाइज, क्योंकि जनरल और आपका OBC की कट ऑफ में ज़्यादा फर्क नहीं देखने को मिलता है, ठीक है गाइज। तो यहाँ पर जितना भी फर्क होता है या तो आपका कुछ पॉइंट्स में होता है या तो एक दो नंबर का ही फर्क आप देखोगे जब आप किसी भी पेपर का फाइनल रिजल्ट देखोगे, तो यहाँ पर साथ साथ में ही इनका जो कट ऑफ जो होता है वो क्लोज हो जाता है, ठीक है। OBC BPL का आपका 43+ जा सकता है गाइस, और OBC WFF का आपका 41 जा सकता है, ठीक है गाइस। ये वाली जो होती है गाइस ये बहुत ही ज़्यादा रेयर लोगों के पास होती है, तो अगर वहाँ पर स्कोर ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में आपका कट ऑफ ज़्यादा भी चला जाता है, तो इनमें जो होता है कि आपका अज्यूम कर पाना थोड़ा मुश्किल चला जाता है, ठीक है गाइस। और ये जो आपके ज़्यादा पोस्टें रहती हैं इसमें आपका पता चल जाता है पेपर को देख के, ठीक है गाइस, और बच्चों से थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन करके और थोड़ा बहुत सर्वे करके तो थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है गाइस। यहाँ पर हम बात करें ऐसी अनरिजर्व की तो यहाँ पर देखो अच्छी खासी पोस्टें आपको देखने को मिलती है, 244 पोस्टें गाइस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इनका जो है वो 42+ जा सकता है। इनको विद DV इतना कट ऑफ जो है वो आराम से इतने पे लग सकता है कोई भी कैंडिडेट, ठीक है गाइस। एससी BPL की बात करें गाइस 41+ इनका जा सकता है, एससी WFF की बात करें इनका गाइस 40+। आपको पता है कि वार्ड ऑफ एक्स सर्विस मैन की टोटल एक ही है, तो किसी बंदे ने अगर उसके लिए आपका 50 भी स्कोर किया होगा तो उसी की ही सिलेक्शन होगी, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर अगला हम STN रिजर्व देखें तो यहाँ पर 43 जा सकता है, 43+ जा सकता है इसका कट ऑफ भी, ठीक है। ST BPL की हम बात करें तो गाइस यहाँ पर आपका 41+ जा सकता है, और STWFF गाइस जितने मैक्सिमम या मिनिमम, अगर मैक्सिमम यहाँ पर 51 है और मिनिमम 41 है और कोई पर्सन है नहीं तो आपको पता ही है कि उतना ही कट ऑफ उस बंदे का जाने वाला है, क्योंकि उसकी सीट सिर्फ उसी को ही मिलेगी, किसी और को नहीं मिल सकती है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो मुझे इतना इतना लगा है कि इतना जा सकता है गाइस।
और घबराने की बात इसमें कुछ नहीं है गाइस, अगर डिग्री वालों को उधर फायदा भी मिल जाता है तो कुछ नहीं, जिनके लोअर मार्क्स हैं उनके लिए थोड़ा वो और ज्यादा चांसेस हो सकते हैं उनके इन्होंने के, अगर हायर मार्क्स वाले सारे वहां शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है गाइस, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो गेट इट क्लियर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।